मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आवास पर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया निर्मला सीतारमण का स्वागत। एक दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ और पंचकुला में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने दिग्विजय चौटाला के बयान पर कहा कि दिग्विजय चौटाला पहले अपने गिरेबान में झांके, लोगों से धोखा कर गए और राज की मलाई लूटने के लिए भाजपा के साथ अपनी भागीदारी कर रहे हैं। लोगों से धोखा करके लोगों की वोट तो ली थी बीजेपी के खिलाफ और आज राज की मलाई लूटने के लिए उसमें भागीदारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसी छोटी बातें। सिरसा में भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला भीड़े लेकर नगर परिषद कार्यालय में घुस गए। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। एक आम नागरिक होने के नाते नगर परिषद के अंदर जो ये नेक्सस है और जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं आज जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं आया हूँ, मैं एक आम उपभोक्ता होने के नाते। कुरुक्षेत्र में किसान और पुलिस एक बार फिर से आमने सामने हुए और किसान पूरी तरीके से बेसुध हो गए। किसान भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा हरियाणा का प्रदेश स्तरीय सेमिनार का आयोजन कर रहे थे और इसका विरोध किया। सेमिनार में होने वाले इस सम्मेलन में प्रदेश से 600 से 700 पदाधिकारी शामिल होंगे। की जो मीटिंग होने जा रही है हमने उनका विरोध अभी तक तो किया नहीं है। हम यहाँ पर कमरे में रह के कमरा बुक था हमारे नाम के गुरदयाल सिंह सैनी, जिसने आज सैनी समाज को खड़ा किया, उनके बेटे को उन्होंने कमरे यहाँ कमरा लेके यहाँ पे रहने दे, उनका कमरा एसपी के। गुरुग्राम में लगे पीओके खाली करने किनारे कैलाश मानसरोवर और तिब्बत को मुफ्त करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन। चीन पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गुरुग्राम के डाकखाना चौक पर फूका गया पाकिस्तान और चाइना का झंडा। चरखी दादरी में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा बंद करने समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मी सड़कों पर उतरे, झाड़ू के साथ प्रदर्शन किया और सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। मैं 25 अप्रैल को जो समझौता लागू हुआ था हरियाणा सरकार से उस विषय में आज हमने प्रदर्शन किया है, जो हमारी 17 सूत्रीय मांगों थी जो उसकी सरकार ने। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर 27 सितंबर को एक बार फिर से किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद का पूरा असर यमुनानगर में दिखाई देगा। रेलवे ट्रैक से लेकर हाईवे और लिंक रोड को किसान सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक जाम करेंगे। लगातार आंदोलन चला हुआ है, किसान आंदोलन पूरे देश को बचाने का आंदोलन, उसी के तहत बहुत से प्रोग्राम बीच में आए, भारत बंद के आए, रोड जाम के आए। अब आंदोलन के 10 महीने पूरे होने पर 26 तारीख को 27 तारीख को भारत। यमुनानगर जिले की कई सड़कों को फोर लाइन किया जाएगा। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता कई विभागों के अधिकारियों के साथ सड़कों पर निकले। जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी समय सीमा तो पहले ही चल रही है, जैसे केएल से कन्नौर वाला जो बंदा स्ट्रेच, वो बता रहे हैं कि मार्च तक जो है अगले साल। सोनीपत में निजी स्कूल के कमरे की छत गिरने पर हादसे के बावजूद भी सोनीपत के सरकारी स्कूल के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही उस पर कोई कार्रवाई अमल में अब तक लाई गई। का स्कूल बहुत ही पुराने समय का है, जो अभी तक बना नहीं है, यहाँ का प्लास्टर भी टूटा हुआ है और हम यहाँ पर डर के साए से पढ़ाई करते हैं और यह डर लगा रहता है क्या पता। गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने गोहाना हलके के कई गांवों का दौरा करके खेतों में भरे पानी से किसानों की खराब हुई फसलों के नुकसान का जायजा लिया और उसके बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेमौसमी तो नहीं है, लेकिन जितनी बारिश थी जो सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी कि भाई इतनी बारिश आ सकती है, क्योंकि जिस ढंग से ड्रेनों की सफाई होनी चाहिए थी मुझे नहीं लगा। प्रदेश फतेहाबाद में पिछले 3 दिनों से इलाके में तेज मूसलाधार बरसात ने जहां फसलों को चौपट कर दिया, वहीं आम लोगों के लिए भी मुसीबत का कारण बन गई। कल बहुत ज्यादा बरसात हुई इसलिए हमारे घरों के अंदर पानी चला गया, हमने अपना निजी पंप लगाकर 3 घंटे में पानी निकाला और भैंसों के नीचे भी पानी था।